गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग आप सबको। चलो आज के न्यूज पढ़ने का सेशन शुरू करें। यस मिस। अरे जैस्मिन, आज तुम पढ़ना चाहोगी? यस मैम। कोरोना के कुल केसेस 15,450 तक पहुंच गए हैं, जिसमें से 5,800 एक्टिव है और 320 मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नोवेल कोरोना वायरस सीधी धूप में ज्यादा तेजी से मरता है। हाँ? जब वायरस सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, साथ में ह्यूमिडिटी लगभग 80 डिग्री के आसपास हो और टेम्परेचर 75 डिग्री के ऊपर हो, तो वह मिनटों में मर सकता है। रुको जैस्मिन, एक मिनट, क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैम, आज सोशल मीडिया के जरिए मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। अच्छा, ठीक। अब सब मेरी बात सुनो, ये एक फेक न्यूज का उदाहरण था। पर यहाँ पर जैस्मिन की कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों स्वास्थ्य से जुड़ी कई गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे कई सारे फॉरवर्ड्स आते हैं जो कोविड के चमत्कारी इलाज, सपोजिट प्रिवेंटिव्स, होम टेस्ट आदि के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन का सोर्स वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही हमें इसे दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन मैम, आप कैसे जानते हैं कि यह जानकारी सही है या नहीं? हाँ, अच्छा सवाल है जैस्मिन। आपको केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय WHO या UN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जारी की जा रही जानकारी पर ही विश्वास करना है। याद रखो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन समाज के अंदर खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकती है। धन्यवाद मैम हमारी आंखें खोलने के लिए। अब से हम सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा रखेंगे जो जांची हुई है, और उन्हीं को आगे बताएंगे।